गोरखपुर जिले में बुधवार को 415 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र में 185 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 188 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। अन्य थाना क्षेत्र में 42 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में एक 45 वर्षीय महिला एवं एक 63 वर्षीय पुरुष और जनपद बस्ती में एक 55 वर्षीय पुरुष की मौत हुई है। इसके बाद से जिले में संक्रमितों की संख्या 51,886 हो गई है। इनमें 547 की मौत हो चुकी है, 43,923 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस 7,416 हो गए हैं। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाए स्वस्थ और सुरक्षित। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतनी होगी और लोगों को भीड़भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कोरोना की वैक्सीन सभी को नहीं लग जाती, तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।